हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी कुर्वे। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए, आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस रिगार्डिंग है। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए साड़ियों के सूट लेके आई हूँ। जो साड़ियों के सूट मैंने आपको पहले दिखाए थे कि किस तरीके से साड़ियों को यूज करना चाहिए, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसपे मैंने जो अभी साड़ियों के सूट बताए हैं या बनाए हैं मैंने, वो मैंने आपके साथ साड़ियां शेयर की थी, तो उसी के मैं वीडियोस आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देती हूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। एंड जिस घर में अभी मैं आई हूँ ये भी मैं मुझे चेंज करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं जहाँ पहले रहती थी वो भी चेंज किया था मैंने, और एक्चुअली मैं रेंट से रहती हूँ। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो हमने फाइनली डिसीजन ले लिया है किसी और जगह शिफ्ट होने का। तो इस वजह से भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बहुत तबीयत खराब हो रखी है मेरी, उस वजह से भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं तो मेरे कंटिन्यूसली वीडियो आते ही थे। तो ठीक है, कोई नहीं, अगर कहीं अच्छे से अच्छा जगह मिल जाएगी या हेल्थ भी ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से रनिंग में आ जाऊंगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ड्रेस है ये वाला। देखिए इस तरीके की साड़ी सभी के पास होगी, मम्मी के पास, अगर आपके पास नहीं होगी तो आपके मम्मी के पास भी ऐसी साड़ी अवेलेबल होगी। तो देखिए इसका मैंने एक इस तरीके से ड्रेस बनाया है। देखिए गाइस, अगर आपको फुल ड्रेस देखना है ना तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया करूंगी। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट की ये ड्रेस कैसे दिखता है। तो देखा आपने, इस तरीके से ये ड्रेस है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिला है। तो जो हमारा जैसे पल्लू का सेक्शन नहीं बोलूंगी, जैसे नीचे जो बॉर्डर लगी होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो नीचे बॉर्डर होती है डायरेक्ट उसी से कट दिया था। एक्चुअली ये जो पोर्शन है देखिए, ये कोई लेस नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। देखिए ये कोई भी लेस नहीं है, देखिए ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे भी मैं इसे कट करके लगाऊंगी तो ये जॉइंट दिखेगा। तो मैंने क्या किया, जो पल्लू का नीचे का सेक्शन था, सॉरी जो हमारे साड़ी के नीचे का सेक्शन था वहीं से इसको बनाया, फ्रंट सेक्शन वहां से बनाया एंड बैक सेक्शन देखिए पूरा प्लेन है। जैसे ये साड़ी का जो ऊपर का पोर्शन था वो प्लेन था एंड जो नीचे था ना इस तरीके से भुट्टे हुए थे उसमें। तो मैंने यहाँ पे सेम देखिए उसी तरीके से भुट्टे देखिए दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए इस तरीके से भुट्टे थे। तो मैंने यहाँ पे वो उसे यूज किया है एंड इसकी जो आस्तीन है वो मैंने थोड़ी लॉन्ग रखी है, हमारे एल्बो तक रखी है। तो एंड इसको जो घेर है ये अम्ब्रेला घेर दिया हुआ है, देखिए इसे शॉर्ट ये हमारे घुटने तक आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो इस तरीके से ये घुटने तक आ जाता है एंड दिखने में बहुत ही सुपर दिखता है। एंड गाइस इसके नीचे मैंने बना लिया इसका पटियाला। तो गाइस जब मैंने ये ड्रेस सिला ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा टास्क था। एक्चुअली जब मैंने इसे कटवाया तो जो गोलिंग में काटते हैं हम लोग, जैसे जल्दी मैं स्टिचिंग का भी वीडियो लेके आऊंगी। गाइस बहुत से लोगों को सिलाई करना आता है बट स्टिचिंग करना नहीं आता है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से मैं आपको स्टिचिंग करना भी बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस ड्रेस को रेडी किया है एंड जैसे हम इसे गोलाई में काटते हैं तो जो ये पोर्शन है ना इससे मैंने काट लिया, जैसे लेस बनाई है देखिए। हाँ अब आपको शो हो रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे पूरा मैंने सिलाई दिया हुआ है। हाँ देखिए ये पूरी सिलाई दी हुई है एंड इसको मैंने लेस बना के इसको ज्वाइन किया है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। एंड जब ये ड्रेस मैंने काटा ना तब जो जैसे
जो पटियाला का घेर होता है वो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा था, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क था। एंड पटियाला का जो घेर होता है ना वो बहुत सारा चाहिए तभी ड्रेस अच्छा दिखता है। तो मैंने इसे क्या किया, जो तिरछा होता है ना कपड़ा, तिरछे में काटा, तो उस तिरछे में काट के फिर इसका इस तरीके से घेर आया। तो ये भी पटियाला पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एंड इस पे मैंने कोई भी अस्तर नहीं लगाया, लाइनिंग नहीं लगाया। एक्चुअली ये जो ड्रेस है ना इसमें जैसे मैंने लाइनिंग लगाया हुआ है, देखिए मैंने इसमें इस तरीके से लाइनिंग लगाया हुआ है, तो ये अगर घुटने तक आ जाता है तो इसमें अगर हम अस्तर नहीं भी लगाते हैं या लाइनिंग नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा दिखने में। ये भी बहुत सुंदर लुक देता है। आपने जैसे वीडियो देखा ही होगा कि ये कैसे दिखता है, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से दिखता है। तो मुड़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। गाइस नेक्स्ट ड्रेस मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया है और मैंने सोच के ही रखा है अगर मेरे पास भी इस तरीके से साड़ी होगी तो मैं भी इसी तरीके से इसका ड्रेस बनाऊंगी। तो देखिए ये वाला है। एक्चुअली इसका जो कलर भी है ना इतना सुंदर लग रहा था ना पहनने के बाद, आप वीडियो आ ही जाएगा आप देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने इस साड़ी से क्या किया, गाइस बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं साड़ी के ड्रेस नहीं बनाती हूँ या कोई कपड़े से बनाती हूँ। अगर आपको ऐसा डाउट हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने साड़ियाँ दिखाई है, या तो फिर मैं यहाँ पे एक लगा ही देती हूँ कि ये साड़ी कैसी थी या साड़ियाँ कैसी थी। यहाँ पे एक पिक्चर्स लगा दूंगी सबसे पहले, उसके बाद ड्रेस का डालूंगी कि सिलने के बाद ये कैसा दिखता है। तो साड़ी भी देख लीजिएगा, आपको वीडियो आ ही गया होगा। तो ये इस तरीके से साड़ी थी, लाइनिंग में साड़ी थी एंड बहुत ही प्यारा, जब पहनते हैं ना बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। तो मैंने क्या किया, जो अस्तर है यहाँ पे भी लाइनिंग लगाया है मैंने, तो जो अस्तर है ना लास्ट में मैंने यहाँ से इतना छोड़ दिया है। तो ये ना गाइस ऐसा रेडीमेड लुक देता है, जैसे हम दुकानों से ड्रेस खरीद के लाते हैं उस तरीके से लुक देता है, इसलिए मैंने ऐसा रखा। एंड जो हमारी आस्तीन है ये 3/4 रखी है एंड ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। गाइस ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने साड़ी का जो क्या बोलेंगे जैसे किनार बोलते हैं ना साड़ी की, तो ये किनार ऑलरेडी मैंने मतलब लगी हुई थी तो मैंने उसको एज इट इज ही रखी, बट मैंने इसके आस्तीन जो होती है जो हमारी, तो उसमें मैंने वो नहीं लगाया है। गाइस अगर वहां पे भी लगाऊंगी यहाँ पे भी लगाऊंगी तो थोड़ा सा साड़ी का लुक देगा। तो ये ड्रेस मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि ये साड़ी का भी ना लगे, और ऐसे अभी जो ड्रेस है ना ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। आप देखिए लुक कितना प्यारा लग रहा है, ये लुक, ये जो ड्रेस मैंने बनाया है ऐसा बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको भी, अगर आपके पास भी इस तरीके से साड़ी होगी तो प्लीज आप ऐसा ड्रेस जरूर बनवाइए। तो इसके नीचे मैंने क्या किया है, एक एंकल लेंथ पैजामा बनाया है। देखिए ये एंकल लेंथ पैजामा बनाया है एंड यहाँ पे मैंने इलास्टिक दिया हुआ है, देखिए इलास्टिक दिया हुआ है एंड नीचे से फिर से मैंने यहाँ से ओपन ही रखा है इतना पोर्शन एंड यहाँ तक मैंने इसको अस्तर लगाया हुआ है, लाइनिंग लगाया हुआ है। एंड गाइस पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है, आप यहाँ पे वीडियो आ ही गया होगा आपको पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। एंड गाइस उसके बाद ना कपड़ा बच गया था मेरे पास, थोड़ा सा कपड़ा बच गया था एंड इसका जो पल्लो होता है उसका भी यूज मैंने ड्रेसों में तो किया ही नहीं है आपने जैसे देखा है, तो इसकी मैंने एक चुन्नी बना ली, तो देखिए इस तरीके से। एंड चुन्नी भी छोटी पड़ रही थी, जैसे कि ये वन पोर्शन था एंड ये वन पोर्शन था, चुन्नी भी छोटी पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, जो हमारा साड़ी का फिर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन था यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लगा लिया एंड उसके नीचे मैंने ये देखिए ये वाली चुन्नी दी है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने चुन्नी दी है एंड जैसे कि वीडियो में दिख रहा होगा पहनने के बाद ये भी बहुत ही सुंदर लुक आता है, बहुत ही प्यारा दिखता है दिखने के पहनने के बाद ये ड्रेस। तो आई होप कि आपको ड्रेसेस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक भी आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक कर लीजिए,
गाइज लाइक करने के हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलते या हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक इसलिए किया जाता है कि अगर आप हमें लाइक करते हो तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की हमें मतलब और वीडियो बनाना अच्छा लगता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से साड़ियों से आप ड्रेस चाहते हो या किन तरीके से वीडियो आप चाहते हो मेरे इस चैनल पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस कमेंट करने से भी हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर अभी भी कमेंट नहीं किया होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाइए एंड प्लीज कमेंट कीजिए। तो मुड़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रेस पे। तो गाइस जो नेक्स्ट ड्रेस है ना वो मेरे कमर ने ही पैटर्न बताया था कि इस तरीके से पैटर्न से हमें ड्रेस बनाना है, तो मैंने सेम उसी पैटर्न को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने सेम उसी पैटर्न को बनाया है, क्रिएट किया है। तो देखिए ये है एंड ये भी साड़ी मैंने उस पे दिखाई है, तो साड़ी देख लो यहाँ पे। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, साड़ी का कोई वीडियो होगा तो यहाँ पे लगा दूंगी मैं, तो आप साड़ी भी देख लीजिएगा। तो देखिए ये साड़ी थी एंड ये साड़ी का मैंने बनाया है एक वेस्टर्न ड्रेस, तो वेस्टर्न भी नहीं बोलेंगे एंड इसे 2-in-1 भी बोलेंगे, वेस्टर्न भी बोलेंगे एंड बहुत ही पहनने के बाद प्यारा लगता है ये। तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है इसको, यहाँ पे छोटी छोटी मैंने आस्तीन नहीं दी है, यहाँ पे आस्तीन का पोर्शन नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेल्ट्स दिए हुए हैं एंड ये पहनने के बाद मुझे पहले ऐसा लगा कि ये ऑड लगेगा, जैसे जैसे जो होते हैं ना शादीशुदा लोग होते हैं जो नहीं पहन पाते ऐसे ड्रेस, बट यकीन मानिए ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा, ऑड भी नहीं लग रहा था। जैसे हम जैसे है जैसे जिनकी शादियां हो गई है बट इस तरीके से ड्रेस पहनना चाहते हैं तो आप भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से लॉन्ग घेरा दिया है एंड नीचे जो है ना ये बॉर्डर मैंने इसको अटैच की हुई है, तो इसके नीचे मैंने अस्तर लगाया है। ऑब्वियसली ये कोई बताने वाली बात है ही नहीं, अस्तर ऑलरेडी सभी ड्रेसों में लगते ही है साड़ियों के, क्योंकि साड़ी इतनी पतली होती है कि अस्तर लगाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे बनाया है एंड ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो गाइस इसे दो तरीके से भी पहन सकते हैं, जैसे कि ये जैसे कि आपने इसे डाल लिया जैसे ये डला हुआ है एंड अगर आपको ऐसा नहीं पहनना है या थोड़ा और लगता है तो आप इसके ऊपर इस तरीके से छोटी सी कुर्ती बना सकते हो। तो ये मैंने कुर्ती बनाई हुई है इस ड्रेस के लिए, एक्चुअली ये पैटर्न ही वैसा ही था कि हमें इस तरीके से पैटर्न बनाना है, तो मैंने इस तरीके से इनका पैटर्न क्रिएट किया है एंड गाइस पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे ना मैं आपको एक बार इसके अंदर डाल के दिखा देती हूँ तभी आपको समझ में आएगा, आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा होगा वीडियो में कि ये कैसा है। तो ये इस तरीके से आएगा, देखिए इस तरीके से, एक्चुअली ये घाघरा का भी लुक हो जाता है, चोली टाइप भी हो जाता है एंड पहनने के बाद और भी नहीं लगता एंड बहुत क्रिएटिव लुक लगता है। अगर आपको नहीं पहनना है तो इसे निकाल लीजिए एंड इस तरीके से भी पहन सकते हो, ये भी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, मुझे ये ड्रेस भी स्पेशली बहुत ही पसंद आया है। तो इस तरीके से एंड गाइस दूसरी बात मैंने क्या की, जो हमारा जैसे काठ होते हैं जैसे ये किनार होती है ना, मैंने उसको साइड में दे दिया है, देखिए साइड में मैंने इसको पूरी किनार रखी हुई है ताकि ये और भी सुंदर लुक आए, जैसे ये ड्रेस पहनेंगे तो इसके ऊपर और भी अच्छा लुक आए, तो मैंने इस तरीके से इसको साइड लुक दिया है तो ये और भी प्यारा लुक आता है इसका पहनने के बाद, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको दिख ही रहा होगा। एंड गाइज नेक्स्ट ड्रेस है, एक्चुअली वो एकदम सिंपल सी साड़ी थी बट मैंने सोचा नहीं था सिंपल सी साड़ी भी इतना सारा कमाल दिखा देगी, ड्रेस बनने के बाद वो ऐसा एकदम रेडीमेड टाइप लगेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट बहुत ही प्यारा लुक आया है उसका। तो देखिए ये वाली ये वाला ड्रेस है वो, एक्चुअली ये साड़ी भी बहुत प्यारी थी तो इसका इस तरीके से आया है, ये ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये ऐसे
मतलब साड़ी से बना हुआ है ये, इससे लग रहा है कि कपड़ा लेके ही बनाया हुआ है या रेडीमेड पीस है। पहनने के बाद ये भी बहुत सुंदर लगता है। फिर से आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रही होगी कपड़े से बना है, तो मैं फिर से आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अगर स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो प्लीज मेरा ओल्ड वीडियो देखिए जिसमें मैंने साड़ियां दिखाई है, सिर्फ साड़ियां दिखाई है कि मैं इसे सिलने वाली हूँ, या आप किस तरीके से चॉइस कर सकते हो साड़ियों को, तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दूंगी इस बार। तो देखिए इस तरीके से साड़ी से बना हुआ है। एक्चुअली ये साड़ी डबल पोर्शन में थी, डबल इसका पल्लू जो है वो नेट में था एंड जो हाफ साड़ी होती है ना वो इसमें थी। तो इसके पल्लू को भी बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी से मैंने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज किया है। तो देखिए इसका मैंने बनाया है जैकेट, तो ये भी पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए ये इस तरीके से जैकेट बनाया है एंड इसकी जो साड़ी की जो लेस थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। साड़ी की लेस भी बहुत ही सुंदर थी। मैं नहीं सोच रही थी कि साड़ी की लेस को यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी मैं, मुझे यूज करना ही था उस साड़ी के लेस को भी। तो मैंने क्या किया, जो जैकेट होता है ना, जैकेट को पूरा अंडरग्राउंड पूरा देखिए इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया पूरा ये इस तरीके से। इससे क्या हुआ, जो मेरा जो जैकेट है इसमें भी थोड़ा हेवीनेस आ गया एंड पहनने के बाद भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। स्क्रीनशॉट देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। एंड गाइज नेक्स्ट ड्रेस है, एक्चुअली नेक्स्ट ड्रेस मेरे पास अभी मैं एक वीडियो क्लिप्स डाल दूंगी वो देख लीजिएगा। तो ये मैंने एक प्लाजो एंड ड्रेस, मतलब प्लाजो एंड कुर्ती बनाई है, ये भी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ गया होगा एंड कस्टमर को जल्दी देना था तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली है, सो प्लीज वो क्लिप देख लीजिएगा आप पहनने के बाद, वो भी ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपके पास भी इस तरीके से साड़ियाँ हो, डबल डबल पोर्शन में साड़ियाँ हो, सो आप इस तरीके से ड्रेस बना सकते हो। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।